22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गोरखपुर पुलिस अलर्ट पर है। शनिवार की देर शाम एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपी सिटी ने घंटाघर इलाके में पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया, साथ ही चार पहिया वाहन की चेकिंग करने के साथ ही सड़क से अतिक्रमण हटवाया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन व बस अड्डा पर सघन चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रात में गश्त करने के साथ ही फोर्स की मुस्तैदी भी चेक करें। इस दौरान एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व राजघाट और कोतवाली थाने के पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि बिल्कुल जितने भी हमारे जनपद के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है, धार्मिक स्थल है, मार्केट्स है, जहाँ पर पब्लिक का आवागमन रहता है, वहाँ पर लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। हमारा जो LIU है और बाकी खुफिया तंत्र है उसको भी एक्टिव किया जा रहा है। जो लोग डिस्टर्बेंस कर सकते हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, उनकी क्या गतिविधियां हो सकती हैं उसको भी देखा जा रहा है। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने वाले रस्ते हैं वहां पर और बाहर जाने वाले रस्तों पर बैरियर लगा करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। ये आने वाले दिनों में जो आयोजन होने हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो और कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या न, इसके लिए ये सभी थाना क्षेत्रों में तैयारियां की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र में विगत कुछ पहले जो विवाद हुआ था उसको लेकर क्या अतिरिक्त वहाँ सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, सब जगह पर जहाँ पर भी इस तरह की कोई सूचना है वहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। इस समय पर सब जगह पर शांति व्याप्त है, कहीं पर भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतते हुए लगातार पुलिस द्वारा गश्त और भ्रमण किया जा रहा है।